आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन की बहनों, क्वेश्चन कह रहा है कि अ फोर्स एफ इक्वल टू माइनस का 4x प्लस का 8 इन न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक वेयर x इज द पोजीशन ऑफ द ब्लॉक इन मीटर। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि द एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन इज 32 जूल एंड द ब्लॉक जो है आपका ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में आपका ब्लॉक क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। एंड उसमें से बोला जा रहा है कि इसमें से एक का पोजिशन फाइंड आउट करो, जो पोजिशन किसके बीच में होना चाहिए, तो 0 से 9 के बीच में होगा वो वाला पोजिशन आपसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन से कि सबसे पहला जो आपका ये जो रिलेशन दे रखा है फोर्स का क्या रिलेशन दे रखा है, तो एफ इक्वल टू आपका दे रखा है क्वेश्चन में माइनस का है आपका 4x एंड प्लस का हमारा है 8। ओके, अगर हम लोग यहाँ से माइनस 4 को कॉमन निकाले तो माइनस 4 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बच जाएगा आपका x एंड माइनस का आपका हो जाएगा 2। ओके, इज इक्वल टू एफ कह देंगे। ठीक है, अब इसको मैं अगर जनरलाइज करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का 4 और x माइनस 2 को मैं x नॉट कह दे रहा हूँ। ठीक है, x माइनस 2 को मैं x नॉट कह दे रहा हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा k का जो वैल्यू आ जाएगा, जो कि आपका स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स का कांस्टेंट होता है, आपका कितना है, तो यहाँ से आपका 4 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि k का वैल्यू हमारा 4 आ गया। ओके, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि आपका ये जो रिलेशन दे रखा है, ये वाला जो रिलेशन है, इस इक्वेशन से जो रिलेशन है, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो मीन पोजिशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मीन पोजिशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो मीन पोजिशन कब होगा, तो मीन पोजिशन तब होगा जब आपका फोर्स का जो वैल्यू है आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और फोर्स का वैल्यू 0 कब होगा, जब आपका x क्या हो जाएगा, x आपका 2 होगा, जब आपका x 2 हो जाएगा तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 2, यही आपका क्या है, मीन पोजिशन है। ठीक है, x इक्वल टू 2 हमारा क्या, मीन पोजिशन है। अब हम लोग एनर्जी का रिलेशन जानते हैं, एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी हमारा होता है 1/2 इंटू का के इंटू का ए स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ से करेंगे क्या, यहाँ से हम लोग एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे, तो एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा ट्वाइस एनर्जी एंड डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा के, ट्वाइस एनर्जी डिवाइडेड बाई के, और इसका पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग है। ठीक है, तो आपका देख सकते हैं एनर्जी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो एनर्जी आपका दे रखा 32, तो ये हो जाएगा 32, और के का वैल्यू अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया कितना 4 है, और इसका पावर आपका हो जाएगा 1/2 के बराबर। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ से अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 2 2 4 है एंड ये आपका कटेगा, तो ये आपका जाएगा 16 टाइम में। ओके, तो यहाँ से आपका जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू आएगा कितना आएगा, तो एम्पलीट्यूड हमारा यहाँ से आ जाएगा 4 मीटर के बराबर। ठीक है, एम्पलीट्यूड आ गया 4 मीटर के बराबर, और ध्यान दीजिएगा ये आपका मीन पोजीशन है, x इक्वल टू टी मीन, x इक्वल टू 2 मीन पोजीशन है, और ये आपका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या जा रहा है कि बताओ ब्लॉक ऑसिलेट कहाँ करेगा, दो पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट के बीच में ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो आपका उसमें से एक का पोजीशन बताना जो आपका 0 से लेकर के 9 तक में वेरी करता है। ठीक है, तो आपका मीन पोजीशन कितना है, तो मीन पोजीशन है 2, तो आपका जो जो आपका दो दो पॉइंट होंगे, द टू पॉइंट्स जो आपके दो पॉइंट्स होंगे जिनके बीच में वो ऑसिलेट करेगा, द टू पॉइंट्स आर, दोनों पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, तो एक आपका हो जाएगा ये जो आपका x इक्वल टू 2 दिख रहा है, तो एक हम लोग करेंगे 2 में आपका इस एम्पलीट्यूड को ऐड करेंगे, तो एक आपका 6 हो जाएगा, और एक और जो दूसरा पॉइंट होगा इसी 2 में क्या करेंगे, जो आपका मीन पोजिशन है इसमें से ये जो एम्पलीट्यूड इसको माइनस करेंगे, क्योंकि एम्पलीट्यूड दोनों साइड वेरी करता है, एक आपका ऊपर में भी वेरी करता है और एक आपका नीचे में भी वेरी करता है। ठीक है, तो ये आपका प्लस 4 है और ये माइनस 4 है, तो यहाँ से आपका माइनस 2 आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि आपका 0 से लेकर के 9 तक वाले में, जो 0 से 9 तक में जो आ रहा है वो वाला आप पोजिशन बताओ। ठीक है, तो आपका ये वाला जो हो जाएगा 6 जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, 6 जो है आपका करेक्ट आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।